गुरु प्यारी सत संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनकार जी। आज का टॉपिक है सेवक सत्वचनी होते हैं। गुरु प्यारी सत संगत जी, जब भी किसी सेवक को हम देखते हैं, सेवक का जब आदेश आता है तो हम ऐसे सत्वचन ही करते हैं। सत्वचन जी महाराज, सेवक कभी भी किंतु परंतु नहीं करते हैं, सत्वचन ही करते हैं हनुमान जी की तरह। और सदगुरु के हुक्म में रहना, सदगुरु की आज्ञा के अनुसार जीना, एक सेवक का जीवन होता है। सेवक को सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। जब हम गुरु के वचन को मानते हैं तो निरंकार खुश होता है, और गुरु का वचन ही निरंकार है। गुरु कहते हैं कि निरंकार को अपना आधार बना लो। अब निरंकार को आधार बना के जब जीवन को जिएंगे तो सब में फिर परमात्मा ही नजर आएगा, और फिर सेवा अपने आप होती चली जाएगी। सारी मानवता में सब में परमात्मा ही दिखाई देगा, और परमात्मा के सिवा हमें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पुनश्यामि सच मैं न पुनश्यति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी समझाते हैं, ये सब में मुझ निराकार को देखता है और मुझ में सबको देखता है। यानी सब में मुझे देखना और मुझ में सबको देखना, यही ज्ञान है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थिना शून्य चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विवेक वाले पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी दृष्टि होती है समदृष्टि में होते हैं, समभाव में होते हैं। संतों का स्वभाव ही होता है समदर्शी। हम बात करते संत स्वभाव की, संतों का स्वभाव कैसा होता है कि संत सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं, सभी को अपना मानते हैं कि सारी दुनिया हमारी है, दुनिया के बसने वाले हर इंसान हमारे हैं, हम एक ग्लोबल विलेज के रहने वाले हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरी मानवता हमारी फैमिली है, एक ग्लोबल फैमिली, यूनिवर्सल फैमिली, विश्व बंधुत्व। तो ये प्रेम का जो पाठ है, ये जो विश्व बंधुत्व, ये जो प्रेम का पाठ, क्योंकि सदगुरु हमें सिखाते हैं जब हम प्रेम करेंगे तो विश्व बंधुत्व अपने आप आ जाएगा। ह्यूमैनिटी, हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, मानवता की, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो ये अवस्था तभी आती है जब हम एक सच्चे सेवादार बन जाते हैं, सत्वचनी बन जाते हैं। तो सेवक जो होते हैं हमें सत्वचनी होते हैं और निरंतर सेवाओं में लगे रहते हैं, पूरी मानवता की सेवा करते हैं। आज हमारे चंद्रंकारी मिशन के जो सेवा दल के जवान भाई बहन या जो वर्दी नहीं भी पहनते हैं तो सभी सेवादार हैं। ये नहीं कि वर्दी जो पहने वही सेवादार है, ऐसा नहीं। सेवा हम किसी प्रकार भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, और सेवा भाव से होती है, सेवा सच्चे दिल से होती है। तो हम किसी प्रकार भी सेवा कर सकते हैं, और जब मानवता की सेवा हम करते हैं तो ईश्वर निरंकार खुश होता है, सदगुरु खुश होता है। और मानव जीवन का जो सारांश है, संपूर्ण सृष्टि का जो सारांश है, वो सेवा है। सेवा सृष्टि का सार है। सूरज चांद सितारे हवा पानी सभी सेवाएं कर रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें भी सेवादार बना दिया है, सेवक बना दिया है कि सत्वचन करके, सत्वचनी बन के हमने सेवाएं करते हुए चले जाना है। हम बात करते हैं कि शहनशाह जी वाला मिशन आ जाए फिर से, तो शहनशाह जी वाले मिशन में क्या था, सब सत्वचनी थे, सत्वचन जी। अगर रात में भी उन्हें आदेश आ गया कि सेवा करना है तो वो सत्वचन करके आधी रात में भी निकल लेते थे। कुछ देखते नहीं थे कि अभी ये रात है, अभी सोने का समय है, बिल्कुल नहीं। सदगुरु का आदेश आ गया, चल देना है, चाहे कितनी कड़कती धूप हो या कड़क ठंडी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तो सेवा में सेवक हमेशा तैनात रहते हैं। तो परिचय संगत जी, हमें भी सेवादार बनाया गया है, तो हम भी हमें सत्वचन करें, सत्वचनी बने और गुरु के आदेश उपदेश का पालन करें। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।